उस वेले एक लोगों के नौजवानों के एक ऑलरेडी यह रियासत है जिसे 37% बेरोजगारी है। हिंदुस्तान के सब तो ज़्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर है और जो बाहर के लोग भी इतने आके नौकरियां ले जाएंगे साढ़े बच्चे कितने जाएंगे। तो लिहाजा ये पार्टी बनी, इस पार्टी की बेसिक बुनियाद है कि ये रियासत साड़ी बहाल होए, नौकरियां साढ़े लोगों को मिलन और जमीन से साढ़े लोगों का अधिकार रहे। बाहर के लोग आके इतने जमीन जड़िया ने ना खरीद सकन, क्योंकि बाहर के लोग अगर जमीन खरीदेंगे कल नौकरियां भी लैनगे साढ़े बच्चे कितने जाएंगे। तो इस गल को ध्यान से रखते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वजूद आई और दोनों रीजन चाहे वह कश्मीर है चाहे वह जम्मू है, दोनों रीजन के लोगों दी जो मुश्किल ने अज लोगों के मसले सांझे गए। अज कश्मीर भी कहता रियासत दो, अ जम्मू भी कहता रियासत दो, अज कश्मीर भी कहता साढ़े बच्चे नौकरियां दो, अ जम्मू भी कहता साढ़े बच्चे नौकरियां दो, अज कश्मीर भी कहता बाहर के लोग इतने नहीं आन, अ जम्मू भी कहता बाहर के लोग इतने नहीं आन, अज जम्मू भी कहता कि इतने माइनिंग च लुट हो रही है, ये रेत बजरी जी सू पहला 500 रुपया ट्राली मिलती सी अज 3000 रुपए के उपर चली गई, जी सू डंपर एक मिलता सी 4000 के बजरी का अज वो 8000 के उपर चला गया क्योंकि ठेकेदार बाहर दे आ गए। इतनी लुट खसोट मच गई है। जदों भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं सी 2013 तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 नारे लगाए जो जगह जगह उन्होंने बोर्ड लगाए थे नैशनल हाईवे। पहला नारा के सी कि बहुत सही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उसने नारा सी कि बड़ी महंगाई, महंगाई की सी कि डीजल 45 रुपए, पेट्रोल 55 रुपए, सिलेंडर 450 रुपए का। लेकिन आज 18 साल के बाद देखो सिलेंडर कितने चला गया, आज डीजल कितने चला गया, आज तुम देखो पेट्रोल कितने चला गया, आज खाण पीन वाली चीज़ा कितने चली गई। उस वेले एक नारा और लगाया कि बहुत सहा है भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, कि भ्रष्टाचार बड़ा है। लेकिन आज तुम देखो इतना भ्रष्टाचार है कि पटवारी को चले जाओ जड़ा 5000 च काम होंदा सी अज 50000 च हो रहा। फर्द लेना हो, किसी ने गुरदोरी नकल लेनी हो, किसी ने रजिस्ट्री करानी हो, कहीं जाके देखो तुम। अल इस किस्म की लुट खसूट पे कोई जवाबदेही नहीं, कोई आंसरेबल ही नहीं, जो मर्जी करन, जो द्वारा च झूठी गल्लां दे रहे हैं। ये पिछे इन्होंने कहा कि यह वाइन शापा के भी हम बाहर के ठेकेदार आ गए, साढ़े जड़े इतने नौजवान साढ़े जड़े लोग इतने काम कर रहे थे उन्होंने भी बेदखल करके दूजे लोगों को लेंदे। तो मैं कहना यह चाहना कि लोगों ने अज इन्हों देख करनी है वो सामने आ गई। अज बड़े बड़े जो बिग हाउसेज ने अज उन्होंने लिया रहे हैं, अज हूँ ये फैसला कर रहे हैं कि स्टोरों के भी बीर और शराब मिलेगी। कि जैसे तुम दाल लैन जाने कि कितने बाइन साहब जी शर्म ना आए शराब लेंदे, हूँ स्टोर के भी शराब मिलेगी। मतलब किस किस्म की पासियां बना रहे हैं और कोई रोकने वास्ते तैयार नहीं, कोई पूछने वास्ते इन्होंने तैयार नहीं, और इन्हों के जोड़े नेता ने कोई बोल के राजी नहीं। अज तुम देखो वकील हड़तालों से, अज बेरोजगार हड़तालों से, अज डेली वेजर हड़तालों से, कंट्रैक्चुअल टीचर हड़तालों से कोई सुनने वास्ते राजी नहीं। जो ये सत्ता च नहीं सी उस वेले कहते अं कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और लुट खसोट हो रही है। मैं देखा ये कह रहे ना जी ये स्मार्ट सिटी शहर बन रहा है, पता नहीं कितना अरब रुपया लग रहा, लग कितने रहा पता नहीं, वही गलियां तोड़ ताड़ के उन्होंने ही वो टैलां शैलां ला के ये काम कर रहे। मतलब कोई उस किस्म की चीज़ है नहीं, लोगों को पानी नहीं, लोगों को वक्त ते बिजली नहीं, जो बेसिक सहूलत ने वो लोगों को मिल नहीं रही, हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटी नहीं। तुम इतने हस्पतालों से चले जाओ एक एक बैड से 4-4 पेशेंट होंगे, तुम इतने बच्चियों के हॉस्पिटल जोड़ा शालामार हॉस्पिटल चले जाओ बैड नहीं मिलता, एक एक बैड से 4-4 पेशेंट होंगे ने, जिसे जरूरत है वो चीज़ ये प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे। और झूठे रंग रोगन बना के असी ये कर रहे, असी ये कर रहे, असी ये कर रहे। तो मेरा दोस्तों साथियों मैं कहना चाहना कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जी है ये पार्टी एक चेंज ले आने वास्ते साड़ा वादा है, साड़ी कमिटमेंट है लोगों नाल कि वाहिद साड़ी रियासत है जिस रियासत दे विच बिजली पानी नाल तैयार होंगी। थोड़ा जहा ऐसा पंजाब से जिते बाकी सारी बिजली कोयले नाल तैयार होंगी, ये वाहिद रियासत है साड़ी जिदे विच बिजली असी 60% हिंदुस्तान नूं दे रहे हैं। इतों बिजली सेंट्रल पूल जाती फिर नॉर्थ पूल जाती फिर बिजली सानू आती,
और वह भी महंगे रेट से साड़ी रियासत तैयार हो रही है। साड़ी पार्टी का वादा है कि अगर असी सरकार जावे असी हर घर में चाहे वह अमीर है चाहे वह गरीब है उन्हें 500 यूनिट बिजली गर्मियों च फ्री दें 300 यूनिट बिजली सर्दियों च फ्री दें। क्यों देंगे? क्योंकि बिजली साढ़े तैयार हो रही है असी तो बाहर दे रहे हैं। असी चार आने जो बाहर बिजली दे रहे हैं खरबा रुपया साड़ी स्टेट में आ जाता है अरबा खरबा रुपया जिन्हें यूनिट असी बाहर दे रहे हैं 60% बिजली असी बाहर अपने देश में दे रहे हैं। लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट जोड़े ने वो नैशनल लैवल सब कुछ लाए जाते सू थोड़ी जी रियलिटी देंगे। साढ़ा वादा कि जो सरकार आएगी जी पेंशन है ओल्ड एज विडो हैंडीकैप अनाथ बच्चों अच्छ 1,000 रुपया मिलता है इस 1,000 नाल अच्छ की बनता है साड़ी कमिटमेंट अपनी पार्टी की साड़ी पार्टी की सरकार आएगी असी 1,000 तो बधा के इनू 5,000 करा हर उस गरीब को 5,000 पेंशन मिलेगी। ये सिलेंडर जोड़े सरकार ने फ्री दिते गरीब आदमी को उज्ज्वला स्कीम सिलेंडर तो देते लेकिन लोगों ने उन्होंने सिलेंडर में शो किया जी पेंशन मिलती है जी गरीब बच्चों की शादी वास्ते अ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट 50,000 रुपया देता है वह भी अज बच्ची की शादी होंगी है वह बच्ची जा के बच्चा भी हो जाता फिर कि 50,000 रुपया देंगे ने उस वेल जरूरत उन्होंने होंगी है शादी के टाइम तो साढ़ा वादा है साड़ी पार्टी की सरकार आएगी मैं केला कि विद इन 1 मंथ उन्हों जरा जिस अपलाई करे कि मेरी बच्ची की शादी है वह कार्ड ना लाए उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर असी जरा 50,000 तू बधा के 1,00,000 रुपया जरा उस गरीब बच्ची की शादी असी मदद करा तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक चेंज बदलाव लै रियासत आ रही है। मेरा तो लोगों को यह कहना है कि तुम सारे इतने के पुराने इस रियासत के रहने वाले हो तुम कांग्रेस को भी मौका दिता MC को भी मौका दिता PDP को भी मौका दिता BJP को भी मौका दिता एक बार तुम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को भी मौका दे के देखो इस करके 5-5 साल बाद चुनाव होंगे ने असी लोग लकीर के फकीर हाँ तो इस पार्टी दे मैं तो इस पार्टी को वोट पाना तो भाई जी उस पार्टी को वोट पाना फिर इलैक्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए फिर तो जी पार्टी है चलती रहे सारी उम्र वही चले इस करके चुनाव होंगे ये जो चुनाव है ये तुम एक गवाही देनी है जल्द वोट पाते हो तुम एक शहादत दे रहे हो तुम गवाही दे रहे हो कि असी इस कैंडिडेट को वोट पा रहे हैं बस साड़ी बदकिस्मती की है असी गवाही उसके हक च पाने जो चोर चक्का है जोड़ा डाकू है जोड़ा लुटेरा है जिन्हें 2 नंबर के पैसे कमाए ने असी कहने गवाही ये हक च भाई ये तो बड़े पैसे वाला है बैकग्राउंड देखो उन्हें पैसा कमाया कितू है क्या वो मेहनत की कमाई है क्या हराम की कमाई है लेकिन असी गवाही उसके हक च पाने जिन्हें कोई काम नहीं किया हों तो कहने यार ये तो फलानी पार्टी है असी तो पार्टी को वोट पाना लेकिन किधर ना किधर असी गवाही झूठी पा रहे हैं असी गलत बंदे नूं वोट पा रहे हैं अगर तो ठीक है तो सानू कोई इतराज़ नहीं लेकिन जे तुसी समझते हो कि भाई उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं इस करके कॉन्स्टिट्यूशन च ये चीज़ रखी सी कि every 5 years देयर विल बी इलेक्शन ताकि तुसी उस पार्टी उस कैंडीडेट नूं अगर कई बार कहते जी वो कैंडीडेट चंगा साबित नहीं होया तो भाई उन्होंने खड़ा क्यों किया उन्होंने पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए कि जिस कैंडीडेट को खड़ा किया अगर उन्हें काम ही कोई नहीं किया तो पार्टी हूँ कह नहीं जी हूँ उन्होंने बदल गया असी दूजा लाया था फिर वह 5 साल साढ़े रगड़ा चाड़ेगा फिर उन्होंने बदलेंगे तो कम से कम लोगों ने अपनी एक चेंज लैनी चाहिए जो तुम बदलाव लियाओगे तो ही इलाके की तरक्की होगी तो ही चेंज आएगा। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हो मैं सिमर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना कि इस वार्ड से इन्होंने प्रोमीनेंट लोगों को इतने बुलाया गल नहीं होंगी है कि किन्ने लोग ने गल होंगी है कि सुनने वाले आडियंस किस किस्म के ये सियाने लोग तुसी बैठे दे हो इतने प्रोमीनेंट लोग तुसी बैठे दे हो तुहाड़ा मैसेज लोगों से जाएगा तुसी लोगों नूं एक गल कहनी है कि जिते बाकी उन्हें अजमाया एक बार इस पार्टी को भी अजमाओ देखो इनू इनू भी एक बार देखो ये नहीं काम करेंगे 5 साल बाद पुठा कर दो 5 साल बाद किसी होर नूं मौका दो बट गिव अ चांस ये पार्टी देश के हित च पार्टी है इस पार्टी का कोई ऐसा नारा नहीं कि जेड़ा कोई लगेगा यार जिदा नैशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोनॉमी की गल करती सी PDP सैल्फ रूल की गल करती सी इस पार्टी का कोई ऐसा नारा नहीं इस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कश्मीर च भी किया कि भाई जो कुछ मिलना इस देश को मिलना इस प्रधानमंत्री को मिलना अज नरेंद्र मोदी की गल कोई होर होएगा
जिन्हें साढ़े को स्टेट खोती है देनी भी उस ने सू पाकिस्तान ने नहीं देनी, अमरीका ने नहीं देनी, इंग्लैंड ने नहीं देनी। साडा देश है, असं इस देश को लैना जो भी लैना। और अज कश्मीर के जोड़ा बदलाव हो रहा है, यदा क्रेडिट अलताफ बुखारी को जाता है कि जिन्हें दम रख के उस वेल जिन्हें कोई बार नहीं निकलता पाया, सारे लोग अंदर छप गए। सारे लोग कहते हैं बुखारी को भाई ये तो गद्दार है, ये तो दिल्ली चला गया। लेकिन बुखारी ने कहा भाई 75 साल इन्होंने तुम्हें मरवाया, नौजवानों कब्रस्तान के अलावा कोई कुछ नहीं मिले, जां साडे फौजी शहीद होए जां मिलीटेंट मारे गए। अज कम से कम एक अमन की लहर चल रही। तो मैं ये कहना चाहना साथी, उस पार्टी नाल जुड़ो। ये पार्टी जम्मू कश्मीर दे विच बदलाव चाहती है, नौजवानों को रुजगार देना चाहती है। ये पार्टी चाहती है कि इत्थे दा युवा जिहड़ा है उहदे हत्थ कमांड आए। साडा नौजवान अज नशे च जा रहा, नशे च धकेला जा रहा। एक बच्चा PhD पढ़िया वे, PhD पढ़िया बच्चा जिहड़ा दरबदार हो रहा। इत्थे लिस्टां निकलदियां ने, सब इंस्पैक्टर दियां लिस्टां निकलियां, उसके बाद फाइनैंशियल असिस्टेंट दियां लिस्टां निकलियां, यूनियन इंजीनियर दियां लिस्टां निकलियां। इन्हां ने टैस्ट ले, इन्हां रद्द करते। और फिर क्या जी, असीं एक महीने के अंदर अंदर टैस्ट ले लेंगे। हुण तो अक्तूबर भी खत्म हो गया। वो बच्चा परेशान है, बच्चे मैंटली अपसैट ने। घर माँ प्यो गालां कढ़दे, तैनू इन्ना पढ़ाया तो तू तैनू नौकरी नहीं मिल रही। वो बच्चा किधर जाएगा बेचारा? कोई उन्हां दी गल सुनने वास्ते तैयार नहीं। लिहाजा मेरे दोस्तों साथियों, ये जुम्मावारी साढ़े तुहाड़े लोगों की है कि असी एक चेंज लियाइए, एक बदलाव लियाइए, ताकि एक चेंज जिसले नज़र आएगी दूजी पार्टियों को भी पता लगेगा कि सिर्फ साड़ी इतने मनोपली नहीं है। इतने BJP समझती है कि सानू काम करने की लोड़ नहीं, वोट सानू पै जाण, अखां बंद करके पै जाण। दैट इज़ वाई पीपल आर सफरिंग। तो एक बदलाव करन की जरूरत है। जिनी देर तुसी बदलाव नहीं करोगे, इन्नी देर तक चेंज नहीं आएगी। चेंज करन वास्ते लोगों को जिहड़ा है अपना माइंड सैट बदलना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का साथ दिओ। पार्टी का चुनाव निशान है बैट, बैट निशान से जो भी कैंडिडेट साड़ा आएगा तुसी उसका साथ देना, उसकी मदद करनी है। तो मैं फिर एक बार चिब्बर साहब जो साढ़े बहुत ही एक्टिव साथी ने पार्टी के, इन्होंने तुम सारू इतने बुलाया, तुसी अपना टाइम कढ़ के आयो, अपना कीमती समा कढ़ के साड़ी गलबात सुनने वास्ते। मैं इन्हों का भी शुक्रिया अदा करना, तुहाडे सारयां दा शुक्रिया अदा करना। और उम्मीद करना कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का तुसी साथ दोगे, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नाल चलोगे और पार्टी के प्रोग्राम नूं सपोर्ट करोगे। मैं इन्हां लफ्ज़ां नाल तुहाडा धन्नवाद करना, शुक्रिया जी।